इस लेसन में चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 dx. देखें ये है वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन थोड़ी सी इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत है वो ये है कि देखिए ये हमारे पास फंक्शन मौजूद है इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर भी है देखिए ये है अगर हमारे पास ऐसे हो एफ ऑफ एक्स एन इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है कि इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए और यानी इसके साथ इसका एफ डैश एक्स एफ प्राइम एक्स एफ डैश एक्स शो करता है कि इसका डेरिवेटिव है वो भी होना चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन ये फंक्शन और उसकी एक्सपोनेंट या पावर दी हुई है लेकिन साथ में इसका ये पार्ट मिसिंग है और इसकी डेरिवेटिव क्या होगा जो भी इनसाइड द पैरेंथेसिस है जो पैरेंथेसिस के अंदर है उसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव होगा माइनस टू जो कि यहाँ नहीं है तो हमने यहाँ पे इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है बस ये छोटी सी चीज है बाकी इसकी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इजी है कैसे होगा 3/2 हमने लिखा ये फंक्शन लिखा देखें ये फंक्शन दिया गया है इसके साथ ये मिसिंग है तो हमने माइनस टू लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ए इसका डेरिवेटिव जीरो है कांस्टेंट का जीरो होता है माइनस टू एक्स डी एक्स हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे जो कि माइनस टू है माइनस टू लिखा और हमने इसको इसी से ही डिवाइड भी हमने करना है माइनस टू से राइट और टेक्निकली अगर आप फिर इसको देखें मैथमेटिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे फिर सेम क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता अब माइनस टू देखिए यहां से यहां तक हमें इसमें क्वेश्चन की जरूरत है क्योंकि ये फंक्शन है और फिर ये इसका डेरिवेटिव है ये कॉन्स्टेंट चीज एक्स्ट्रा है तो इसको मैं बाहर ले लेती हूँ इंटीग्रल से ये हो जाएगा नेगेटिव 1/2 और ए माइनस टू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस टू डी एक्स अब ये कंप्लीट फंक्शन हो गया एफ एक्स एन और साथ में उसका एफ प्राइम एक्स यानी उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है और इसकी इंटीग्रेशन अब कैसे होगी इसकी इंटीग्रेशन होगी कि फंक्शन सेम वही एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट है या पावर है जो कि हमारे पास है 3/2 इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और अब हमारे पास जो नई पावर हो गई वो 3/2 + 1 है यहां हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी ऐड कर देते हैं ये नेगेटिव 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम एज इट इज लिखते हैं पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं a माइनस 2x पावर को आप ऐड कर लें 5/2 + c हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 5/2 हो जाएगा ये टू रेसिप्रोकल है ये क्या हो जाएगा ये न्यूमिरेटर में आ जाएगा जब न्यूमिरेटर में आएगा तो ये टू और ये टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा फिर हमारे पास यहाँ रह गया इक्वल टू माइनस 1/5 ए माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 + c ये इसकी इंटीग्रेशन है और यही इसका आंसर है कितना सिंपल था यहाँ पे बस फंक्शन था और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मिसिंग था वो हमने खुद ऐड किया यानी इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया और उसके साथ डिवाइड भी किया और फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी और देखने का बहुत शुक्रिया लेकिन अगर क्वेश्चन है तो आप जरूर